नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे PCOD और PCOS के बारे में, और इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं आयुर्वेदा डॉक्टर मुनीश शर्मा जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार लक्ष्मी जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे PCOD और PCOS में फर्क क्या है। PCOD का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज और PCOS का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। दोनों में डिफरेंस ये है कि पहले इसको ये माना जाता था कि ये डिजीज है, बट लेटर ऑन क्योंकि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे डायबिटीज हो सकती है, कार्डिक प्रॉब्लम हो सकती है, तो लेटर ऑन इसको जो है सिंड्रोम की तरह इसको माना गया, इसलिए इसको PCOD ना कह के PCOS कहा जाता है। बेसिकली है ये डिजीज ही, लेकिन जैसे शुगर है, जो जैसे डायबिटीज की बीमारी है, वो एक सिंड्रोम है, वो एक अकेली बीमारी नहीं है। सिंड्रोम का मतलब है कि जो कभी अकेले नहीं होता है, जिसके साथ एसोसिएटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जैसे PCOS में आपको हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपको डायबिटीज भी हो सकती है, और ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इसलिए इसको सिंड्रोम कहा गया है। जी लक्ष्मी जी, इन दोनों में सिम्टम्स क्या अलग अलग होते हैं, एक ही प्रकार के सिम्टम्स पाए जाते हैं? इसमें सिम्टम्स एक ही प्रकार के होते हैं। जैसे जो PCOS है वो उसकी शुरुआत होती है आपकी इरेगुलर पीरियड से। इरेगुलर का मतलब है कि कभी पीरियड कम आए, कभी ज्यादा आए, और कभी कभी मिस हो गए। और जो उसके मिस होने के चांस होते हैं, वो कई बार क्या होता है कि आपके एक महीना मिस हुए, कई बार 2 महीने, और ऐसे ऐसे केसेस हमने देखे हैं जिसमें साल भर भी जो है वो फीमेल को पीरियड्स नहीं आते हैं। जी। तो इसलिए जो है इसमें सबसे पहले शुरुआत जो है वो मिस्ड पीरियड से आती है। जैसे कोई भी फीमेल आएगी, वो ये बोलेगी कि मुझे जो है 2 महीने से या आपको 3 महीने से मुझे पीरियड्स नहीं आए, या फिर मेरी जो डेट थी उससे मेरे को 10 दिन ऊपर हो गए या 15 दिन ऊपर हो गए। ये एक उसका सबसे पहला सिम्टम होता है। जी। और उसके बाद जो है क्या होता है कि जैसे फेस पे बाल आना, ठीक है, नॉर्मली जो है फीमेल में फेस पे बाल नहीं होते हैं, तो जी। फेस पे बाल आना, और या फिर जो है फेस पे पिंपल्स आ जाना, छोटे छोटे मोटे मोटे पिंपल्स आ जाना, ये PCOS के सिम्टम्स होते हैं। जी मैम, जैसे आपने अभी बताया, मैं ये PCOD और PCOS के ये सिम्टम्स होते हैं, लेकिन मैम जैसे आपने कहा पेट पे बाल आ जाना या फेस पे पिंपल्स निकलना, मैंने अक्सर हमने देखा है ये चीज प्रॉब्लम मैम, थायराइड में भी ये इस तरीके से प्रॉब्लम आती है, तो ये इन दोनों को कैसे समझेंगे हमें कि ये PCOD की प्रॉब्लम है या थायराइड की, मैम कैसे जाने हम? देखिए क्या होता है कि जब आप कोई भी अपनी प्रॉब्लम लेके डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराता है आपसे। वो ये देखता है कि क्या ये जो आपको प्रॉब्लम हो रही है, ये थायराइड की वजह से हो रही है कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रही है। तो उसमें वो कुछ आपके ब्लड टेस्ट करेगा, कुछ क्लिनिकल आपके एग्जामिनेशंस करेगा, कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, उसके अकॉर्डिंगली जो है फिर आपके ब्लड टेस्ट के बाद ही ये डिसाइड होगा कि ये थायराइड प्रॉब्लम है कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है या PCOS है। PCOS में जनरली अल्ट्रासाउंड कराते हैं और 1-2 टेस्ट और कराते हैं, उसी के थ्रू ये डायग्नोस होता है कि जो पेशेंट है, साथ में जो आप उसके क्लिनिकल सिम्टम्स है और जो आपकी इन्वेस्टिगेशन है वो आपस में मैच कर रही है, तो जो पेशेंट है वो किस तरफ जा रहा है। होता क्या है कि कई बार जो थायराइड प्रॉब्लम है उसमें भी PCOS एसोसिएटेड हो जाता है, या फिर जो है किसी को PCOS है तो भी थायराइड प्रॉब्लम हो सकती है। जी लक्ष्मी जी, किस एज में ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है? आपकी शुरू होती है आपके फर्टिलिटी पीरियड में, जिस एज में आपको पीरियड शुरू होते हैं ये उसी से शुरू हो जाती है। जैसे नॉर्मली क्या 14-15 साल से शुरू होती है, और फर्टाइल पीरियड जैसे 45 तक या 48 तक आपको जो है पीरियड्स आते हैं, या किसी किसी को 50 या 55 तक आते हैं। तो जो भी आपका फर्टिलिटी पीरियड है, जिस टाइम में आपको पीरियड्स आते हैं, ये उसी टाइम की प्रॉब्लम है और फीमेल्स में ही होती है, क्योंकि जो यूट्रस है आपका और ब्लीडिंग है या आपको पीरियड्स हो रहे हैं, ये ओनली जो है दिस इज ओनली इन फीमेल, ये फीमेल्स की प्रॉब्लम है। और जो है आपका जो फर्टिलिटी टाइम होता है बस उसी टाइम में होती है, उसके आगे नहीं होगी, उसके पीछे नहीं होगी। जी हाँ जी मैम, एक क्वेश्चन मेरा आपसे और था कि जैसे मान लीजिए 45-50 साल की महिला अगर डॉक्टर के पास जाती है और वो बोलती है कि भाई मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे, तो डॉक्टर सीधा बोलते हैं कि ठीक है आपका एज फैक्टर है कि भाई इस समय मेनोपॉज की कंडीशन शुरू हो जाती है,
तो मैम उस चीज को हम किस तरह से रियलाइज करेंगे कि आपका हमें मैम पीसीओएस दी या किस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं शुरू हो गई, हमें मेनोपॉज हुआ, उसको हम कैसे जाने? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है लक्ष्मी जी। इसमें क्या होता है कि जनरली जो पीसीओएस डायग्नोज करने से पहले उसके कुछ क्राइटेरिया हैं, ठीक है। जी उन क्राइटेरिया में क्या होता है कि जैसे पूरे साल में आपको जो पीरियड्स होते हैं 8 या 8 से कम होते हैं, ठीक है। जी आप जब किसी कोई भी फीमेल आपके पास प्रॉब्लम लेके आ रही, तो आप पहले उससे क्वेश्चन पूछेंगे, उसकी हिस्ट्री लेंगे। तो हिस्ट्री में अगर ये आता है कि भाई हाँ, आपकी शुरू से ही हिस्ट्री ऐसी रही है कि आपको पीरियड्स रुक रुक के आए हैं, और आपको जो है वेट गेन भी आपका है, फेस पे बाल भी हैं, तो ये एक माना जाता है कि आपको एक हिस्ट्री रही है पीसीओएस की। जी और साथ में अगर आप 45 या आप 45 क्रॉस कर लिए हैं, तो उसमें एक अल्ट्रासाउंड भी कराया जाता है। अल्ट्रासाउंड आपका पेल्विस का कराया जाएगा, उसमें ये देखा जाएगा कि आपको एसोसिएटेड कुछ और सिस्ट तो नहीं बन रही है, या कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, जी या फिर ये जो है पीसीओएस की वजह से ही सब कुछ डिले होता जा रहा है। तो ये एक डॉक्टर ही आपको डायग्नोज कर सकता है, आप अपने लेवल पे नहीं डायग्नोज कर सकते हैं इसको। जी क्या रीजन रहता है? क्या खान पान की कोई वजह रहती है, या कि ज्यादा स्ट्रेस, या ज्यादा काम करना, या रातों को जैसे नाइट शिफ्ट में लेडी या काम कर रही है, कि किस वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है? देखिए क्या होता है कि जो पीसीओएस है वो आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ठीक है। तो आजकल की जो है फास्ट लाइफ में हम क्या करते हैं, हम टाइम पे सोते नहीं हैं, टाइम पे खाते नहीं हैं, या कई बार क्या होता है कि मान लो खाना भी है तो हमारा ये रहता है कि हम न्यूट्रिशन ना लेके फास्ट फूड हमने खाया है, बिल्कुल तो बिल्कुल बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। जनरली क्या होता है कि जो पीसीओएस की फीमेल है उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है, और जी आपके और हॉर्मोन्स जो है वो कम हो जाते हैं। जब टेस्टोस्टेरोन, ऐसा नहीं है कि फीमेल बॉडी में नहीं होता है, जी होता है बट मिनिमम क्वांटिटी में होता है। और उसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से क्या होता है कि जैसे फेस पे आपके बाल उड़ने शुरू हो गए, आपके साइड बर्न में आ गए, आपके चेस्ट पे आ गए, या एब्डोमेन पे आ गए हैं, ठीक है। या फिर क्या होता है कि आपके बाल तो आ गए हैं, और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां पे बाल चाहिए वहां पे नहीं आएंगे। जैसे जो सिर के बाल हैं वो थोड़े हल्के हो जाएंगे, आपके सिर के बाल गिरने शुरू हो जाएंगे, तो आपकी जो लुक है ना वो चेंज हो चेंज जाती हो है। जाए। जी मतलब आपको सिर पे, आपको मन करता है लंबे बाल हो, बिल्कुल बहुत मैम, अच्छे से बिल्कुल खूबसूरत हो, तो सिर के बाल उड़ गए, तो सिर पे बाल है नहीं, बाकी चेहरे पे बाल है, ऊपर मूछों की तरह बाल है, तो ये बाल बढ़ जाते हैं, जिसको हम हिर्सुटिज्म कहते हैं। जी दूसरा क्या है कि फेस पे पिगमेंटेशन या बॉडी पे पिगमेंटेशन बढ़ जाती है। जैसे कई लोगों का आप देखेंगे, क्योंकि इस वाली प्रॉब्लम में पीसीओएस में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, उसकी वजह से जैसे कई लोगों के आप गर्दन देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे ना कुछ मैल जमा हुआ है, या गर्दन थोड़ी काली है। जी ऐसा नहीं है कि वो लोग नहाते नहीं है, बट ये कि वो बहुत अच्छे क्लीन करते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि जैसे गर्दन है उस पर ऐसा लगेगा बिल्कुल वेलवेटी टेक्सचर, जैसे वेलवेट नहीं होता जी एकदम बिल्कुल मैम, सिल्की सा, जी ऐसा लगेगा कि जो मैल है ना उसकी पूरी लेयर जमी हुई है। या फिर जो आपकी अंडर आर्म्स हैं उसमें जी आपको पिगमेंटेशन बढ़ जाएगी, या आपकी इनर थाई में पिगमेंटेशन बढ़ जाएगी। और ये सारी चीजें होती हैं सिर्फ पीसीओएस की वजह से और आपके लाइफस्टाइल की वजह से। जैसे जी आप जो है, आपको अगर ऐसा लगता है कि भाई मेरा वेट जो है थोड़े टाइम से बढ़ रहा है और मेरा खाना पीना बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, तो उस जी टाइम आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। और उस टाइम कोशिश ये कीजिए कि आप जो है, अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते और अपने लेवल पे कुछ करना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए कि आप नॉर्मल घर का फ्रेश फूड, यू नो, होम कुक्ड फूड, वो शुरू कीजिए। थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए। जैसे फिजिकल एक्टिविटी में भी क्या है कि आप जो है थोड़ा सा वॉक बढ़ा दीजिए, या फिर थोड़ा सा डांसिंग एक्टिविटी बढ़ा दीजिए, या कोई भी जो आपको एक्टिविटी पसंद जो है उसके पसंद हो थ्रू वो जी बढ़ा के वो आप करके अपना थोड़ा वेट बैलेंस कर लीजिए। और जी ऐसे ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आप घर में भी कर सकते हैं। इन केस इन सब कुछ को करने के बाद भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, और वो आपको और आपके आगे हेल्प करेगा। जी ठीक लक्ष्मी जी, है मैम, एक क्वेश्चन ये कि पीसीओडी और पीसीओएस में मैम इन दोनों में से कौन सी डेंजर्स उसमें आती है कैटेगरी में, या मैम ये दोनों ही नॉर्मल, किस तरीके से माने हम इनको, कौन सी ज्यादा देखिए प्रॉब्लम्स करती पीसी है? यस, जो पीसीओडी कहें या पीसीओएस कहें, ये दोनों सिनोनिम है, दोनों सेम चीज है। ओके मैम, इसलिए हाँ,
ये पहले हम इसको पीसीओडी कहते थे, अब हम इसको पीसीओएस कहते हैं, तो दोनों सेम है, जी इसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बल्कि जो है पीसीओएस में क्या है, क्योंकि सिर्फ नाम चेंज हुआ है, बीमारी वही है, सारी जी चीजें वही सेम रहेंगी। हाँ जी जी क्योंकि बोल। मैम लोग अक्सर ना इन दोनों में फर्क ही नहीं, दोनों को अलग अलग मान के चलते थे, आज आपसे बात करने से ये पता चला कि ये दोनों सेम ही हैं और इनमें सिम्टम्स भी ज्यादा सेम ही हैं। ठीक है हाँ जी, ये मैम सेम ही है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है। जी, और मैम आपसे जानना जी चाहेंगे कि आयुर्वेदा में कोई अगर इन प्रॉब्लम्स की आपसे ट्रीटमेंट लेता है तो मैम क्या वो संभव है कि आयुर्वेदा में इसका ट्रीटमेंट होता है? बिल्कुल, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो पीसीओएस है उसको पित्त कफ बीमारी माना जाता है, जी क्योंकि जो फेस पे पिगमेंटेशन आ रही है वो पित्त की वजह से आ रही है, और कफ की वजह से आपका जो शरीर है वो भारी होने लग जाता है। तो आयुर्वेद में जब कोई भी पेशेंट आता है तो उसको जो है सबसे पहले उसकी डाइट, उसकी फिजिकल एक्टिविटी, उसका मेंटल मेकअप, जी उसके फैमिली हिस्ट्री, सब कुछ लिया जाता है। जैसे कई लोग जनरली पीसीओएस में क्या होता है कि वजन बढ़ जाता है, बट जी हमने कुछ केसेस ऐसे भी देखे हैं जिसमें लड़कियों का वजन जो है वो नॉर्मल रहता है, या ये कहना चाहिए कि बहुत पतली लड़कियां होती हैं, जी और लेकिन उनमें भी पीसीओएस होता है। तो उस केसेस में जो स्ट्रेस है या ओवर थिंकिंग है वो सबसे ज्यादा मिलती है हमें मिलती है जी बिल्कुल उनके, हाँ उन केसेस में हम आयुर्वेदिक मेडिसिन ना देके हमारी कोशिश रहती है कि हम उसमें जो है उसकी योगा शुरू कराएं या फिर उसका मेडिटेशन के सेशन रखें, ताकि जो भी एंजाइटी इश्यूज हैं उनको जो है वो आराम से हील किया जा सके, और उसकी जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सके। इसलिए जरूरी नहीं है कि सब लोगों को दवाई की जरूरत है, जी कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनमें दवाई के बिना सिर्फ योगा और मेडिटेशन से भी बहुत वंडरफुल रिजल्ट मिले हैं, एंड उन लड़कियों को आज भी बहुत नॉर्मल पीरियड्स आ रहे हैं एंड वो जी अपनी लाइफ नॉर्मल जी रही हैं। जनरली जितने भी केसेस मैंने देखे हैं उसमें आराम से 80%, यानी 75 से 80% जो है फीमेल्स ऐसी हैं जिनकी डिजीज ठीक हो जाती है। नो डाउट, अगर आप अपने लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, आप अपने खाने में फास्ट फूड बढ़ा देते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ा देते हैं, बहुत ज्यादा गैजेट का इस्तेमाल करते हैं, बॉडी की मूवमेंट कम होती है, तो वो दोबारा रिकर होने के चांसेस हो जाते हैं। बट अगर आप अपना लाइफस्टाइल एक्टिव रखते हैं, योगा मेडिटेशन के प्रैक्टिस रेगुलर रखते हैं, तो कई केसेस में ऐसा भी होता है कि एक बार ठीक हुआ लड़की को या हमने फीमेल्स को बहुत अच्छी तरह समझा दिया, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक है, कोई इश्यू नहीं, दोबारा आने की जरूरत नहीं, वांस अ वाइल कभी कुछ हुआ तो वो बात कर लेती है। जी जी लक्ष्मी, मैं आपसे जानना चाहेंगी कि हम किस तरीके से अपना ध्यान रखें, किस तरीके का हम खाना खाएं जो हम इस प्रॉब्लम से बच सकें। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको डॉक्टर के पास जाने से पहले आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। जैसे आप का एक नॉर्मल हाइट है और उसके अकॉर्डिंग एक वेट होता है, इन जी केस आपको ऐसा लगता है कि भाई पिछले 6-8 महीने से मेरा वजन अचानक बढ़ना शुरू हो गया, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है। जी नंबर 2, अगर आपको ऐसा लगता है मेरे पीरियड्स पहले बिल्कुल रेगुलर आते थे और अब मेरे हफ्ता 10 दिन करके थोड़े डिले होना शुरू हो गए, आप अलर्ट हो जाइए। अगर जी आपको ऐसा लगता है कि मेरा फेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, आप कहीं कहीं मुझे मोटे मोटे बाल नजर आने लग गए हैं, तो आप अलर्ट हो जाइए। या जी फिर कई बार क्या होता है, जैसे फ्रेंड्स ने कोई मजाक किया या फैमिली में किसी ने कुछ कहा, तो आपको छोटी छोटी बातों में इरिटेशन होनी शुरू हो गई है, और यदि आपके फैमिली मेंबर बोलते हैं आपको कि भाई अब तुम ना, तुम्हें गुस्सा जल्दी आने लग गया है या तुम परेशान जल्दी हो जाते हो, तो भी आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि कुछ जो है इम्बैलेंस जो है वो बॉडी में शुरू हो गया शुरू हो है। गया जी ये बिल्कुल सार यस इन सब चीजों को आप जो है घर में मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप, वेट बढ़ रहा है तो वेट मैनेज कीजिए, अगर आपको और पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं तो आप देखिए कि मैंने जो है खाने पीने में क्या चेंज किया है, क्या मेरा सोने का टाइम तो चेंज नहीं हुआ है, क्या मैंने अपने खाने में मीठा या फास्ट फूड तो नहीं बढ़ा दिया है, क्या जी मेरे खाने में मैदा या मैदा से बनी हुई चीजें तो नहीं ज्यादा जाने लग गई। इस जी तरह से ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जब आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप अपने लेवल पे भी बहुत सारी चीजें ठीक कर सकते हैं या उनको जी बैलेंस कर सकते हैं। जी जी लक्ष्मी जी मैम जैसे किसी महिला को अगर
ये पीसीओडी की प्रॉब्लम शुरू हो गई है और मैम उसको नहीं पता चल रहा है, और वो धीरे धीरे कहते हैं ना मैम थोड़ा सा अगर हम नहीं ध्यान देते वो चीज बढ़ती चली जाती है। तो बाई हाँ चांस मैम बिल्कुल। हमको कोई भी लक्षण नहीं है या हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अंदर हमारे है हमको नहीं पता। लेकिन मैम बहुत टाइम बाद अगर हमको ये डायग्नोस होता है तो मैं क्या मैं उसका ट्रीटमेंट भी आयुर्वेदा में संभव है? बिल्कुल, आयुर्वेदा में इसका ट्रीटमेंट पूर्ण तरह से संभव है, क्योंकि जो आयुर्वेदा है वो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, जो जी हेल्दी व्यक्ति है उसको हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले काम करता है। तो आपको अपनी बॉडी में या अपने पीरियड्स में या अपने मूड में या आपकी अपनी स्किन पे कोई भी चेंजेस नजर आते हैं तो आप किसी भी आयुर्वेदा डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं कि देखिए ये जी मेरे को ये चेंजेस मुझे महसूस हो रहे हैं, क्या जी आप ये देख के मुझे बता सकते हैं कि मुझे क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। जी क्योंकि जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो इसके बड़े ना सिम्टम्स और साइंस होते हैं जो अकॉर्डिंगली देख के आराम से बताया जा सकता है कि हाँ आपका ये चल रहा है तो ये होने की प्रोबेबिलिटी आपको ज्यादा हो सकती है। तो बेटर है उस चीज में आप खुद को परेशान करें तो आप डॉक्टर की सलाह लेके और उसका आगे ट्रीटमेंट करा सकते हैं। जी मैम जैसे आपने जी बताया कि मेडिसिन के साथ साथ आप योगा थेरेपी और एक्सरसाइज वगैरह भी, तो क्या मैम अगर मान लीजिए किसी को मेडिसिन की जरूरत नहीं है तो इन चीजों से भी उनको रिलीफ मिल सकता है? बिल्कुल 100%। अगर मान लो हमारे पास कोई पेशेंट ऐसे आते हैं कि मुझे दवाई नहीं खानी है और मुझे ठीक होना है, तो ये एक पूरे चांस है कि उसको सिर्फ योगा और मेडिटेशन टेक्निक से भी या डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस करके भी उसके डिजीज को क्योर किया जा सकता है। बट जी उसमें क्या होता है कि आपको फिर वो सारी चीजें फॉलो करनी होती है, जी बिकॉज कुछ लोग क्या है कि जैसे फास्ट लाइफ है, ऑफिस जा रहे हैं तो वो चाह के भी मतलब 70-80% फॉलो किया, 20% छोड़ दिया। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत सिंसियर हूँ और जो आप कहेंगे वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, तो नो डाउट आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं है। आप योगा मेडिटेशन या और जितनी भी क्रियाएं हैं उसके थ्रू जो है आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं और उस हेल्दी लाइफस्टाइल को आप आगे भी मेंटेन रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा कभी वो प्रॉब्लम के लिए आना पड़ेगा या दोबारा उसके लिए सोचना पड़ेगा। जी जी मैम लक्ष्मी। जैसे आपने हमें बताया कि इसमें एक्सरसाइज और योगा का भी महत्व है, लेकिन मैम जैसे मान लीजिए आप बताते हैं कि आपको योगा और एक्सरसाइज करनी है अगर आपको मेडिसिन नहीं लेनी, तो क्या मैं आपके सेंटर पे आके ये चीज शुरू की जा सकती है या वहां पर बैठ के हमको कुछ इस तरीके के एक्सरसाइज बता दे कि हम घर बैठ के भी उसका लाभ उठा सकते हैं? देखिए लक्ष्मी जी, हम अपने क्लिनिक पे जनरल योगा नहीं कराते, हम थेरेप्यूटिक योगा कराते हैं। जैसे जी कोई भी फीमेल हमारे पास आती है और वो बोलती है, और जैसे हम उसका डायग्नोस करते हैं कि उसको पीसीओडी है या कोई भी जी एसोसिएटेड प्रॉब्लम है, तो हम उससे रिलेटेड योगा ही उसको कराते हैं ताकि जी उसके डिजीज में भी उसको फायदा होगा और जी उसके जितने भी पैरामीटर्स है उसमें भी चेंजेस आएंगे। जी और जो योगा है वो योगा एक्सपर्ट ही कराते हैं, ऐसे जनरल योगा नहीं कराते। अगर पीसीओडी के लिए या पीसीओएस के लिए कोई आ रहा है और हमें लगता है कि भाई इसकी जो स्किन में भी चेंजेस आ रहे हैं, इसके हेयर में भी चेंजेस आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली जो है उसको योगा कराया जाता है और उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट भी मिलता है और वो बहुत खुश होके भी जाते हैं। जी जी लक्ष्मी जी। अगर कोई लेडी वर्किंग है और उसको नहीं मैम क्लिनिक पे टाइम मिल रहा आने का, तो मैं किस तरह से वो मैनेज करेगी कि वो एक्सरसाइज करके इस चीज से प्रॉब्लम से निजात पा सके, किस तरह से फिर मैनेज करें? देखिए जी, ये बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है लक्ष्मी जी, क्योंकि जी हम सब वर्किंग है और कई बार क्या होता है टाइम क्रंच हम सबके पास ही रहते हैं। जी उस बिल्कुल केस में ऐसा हो सकता है कि जैसे आप सपोज आप फर्स्ट कंसल्टेशन के लिए क्लिनिक पे आते हैं जी तो, और उसके बाद तो हम आपको योगा की एक्सरसाइजेस या योगा के जो पोस्चर्स हैं या जो भी आपकी मेडिटेशन के सेशन है एज पर योर कन्वीनियंस को रख सकते हैं। इसका कोई कोर्स होता है या कोई टाइम होती है कि कितने पीरियड्स में इस प्रॉब्लम से हम निजात पा सकते हैं? जैसे 3 महीने 6 महीने कोई इसका एक टाइम पीरियड्स भी होता है? जनरली 6 महीने से लेकर 3 इयर्स तक ट्रीटमेंट लेना होता है या बीच बीच में ऑफ एंड ऑन ट्रीटमेंट चलता रहता है। इसके साथ साथ कहीं पेन भी कुछ जैसे पेट में पेन क्या मतलब इस हिसाब से मैम कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं, ये थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगी। कि अगर पेन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। जब भी आपको कभी ऐसा लगे ना तो आप हमेशा ये सोचिए कि हो क्यों रहा है,
क्योंकि अगर आप नॉर्मल हैं, आप ही देखिए, आप नॉर्मल खा रहे हैं पी रहे हैं, तो आप नॉर्मली यूरिन जाते हैं, स्टूल पास करते हैं, कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं है। बट जी अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप 2 दिन नहीं जाएंगे, तो आप जी अलर्ट हो जाइए, भाई कुछ तो गलत खाया गया है, या बिल्कुल फिर यह बिल्कुल है कि पानी कम है या रफेज कम है, कुछ भी ऐसी पीरियड्स का है कि अगर पेन हो रहा है तो कुछ ना कुछ केमिस्ट्री चेंज हो गई है, एंड उसके लिए आपको जो है किसी से सलाह करनी चाहिए और अकॉर्डिंगली अपना जो है ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए। जी लक्ष्मी जी, मैम, जैसे ये तो हो गया, आपने बताया हमें किस तरीके से हम अपना ध्यान रखें। मैं एक पानी, जैसे कहते हैं मैम, हर प्रॉब्लम में पानी एक सोल्यूशन, 6 से 8 गिलास हमको पीना ही पीना है। क्या मैम इस प्रॉब्लम में भी ये पानी का महत्व है कि हमको कितना पानी पीना चाहिए? देखिए पानी तो सब चीजों के लिए बहुत अच्छा जी है। बिल्कुल, हाँ आप ये देखिए, अगर पानी कम पिएंगे तो यूरिन इन्फेक्शन हो जाएगा, पानी बिल्कुल कम पिएंगे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, पानी कम पिएंगे तो स्किन ड्राई हो जाएगी, पानी कम पिएंगे तो आपको जो है आपकी जो टंग है वो भी ड्राई हो जाएगी, जी बिकॉज बिल्कुल डिहाइड्रेशन का एक साइन है। जी ठीक है, तो ऐसे जो पानी एक जनरल वो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाली पानी पिएंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जी मैम मतलब पानी एक फैक्टर है, नो डाउट, जितना आपको प्यास लगती है उसके अकॉर्डिंग आप पीजिए, 6 ग्लास 8 ग्लास 10 ग्लास, बट जी ऐसा नहीं है कि खाली पानी पी के आप इलाज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है जी लक्ष्मी मैम जी। मैम आपने हमें, जाहिर सी बात है, हमारी सब बहनों को, सब दोस्तों को पीसीओडी और पीसीओएस में जो फर्क था, जो समझ नहीं पाते थे, जिनको ये चीजें अलग अलग लगती थी, आपकी जानकारी से उन्हें काफी जानकारी मिली होगी। मैम आपका हम अपने चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमें इस तरीके की जानकारी देने के लिए। नमस्कार मैम। थैंक यू लक्ष्मी जी, एंड साधुवाद कि आपने बड़ी तसल्ली से इस चीज को समझा, और मैं सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया इसके बारे में 2 शब्द कहने के लिए। थैंक यू थैंक वेरी मच। यू मैम। थैंक यू।